দিদি বলছি এখানে এক্সাইটমেন্টটা কেমন আছে আপনার? ভীষণ ভাবে ভালো অভিজ্ঞতা। কটা থেকে এসেছেন আপনি? আমরা 11টা থেকে এসেছি। অঞ্জনা চৌধুরী। এর আগেও কি অডিশন দিয়েছিলেন? অনেকবার দিয়েছি কিন্তু হচ্ছে না, এবার লাস্ট চান্স দেখি হয় কিনা। হোল্ড ডাউন হোল্ড ডাউন হোল্ড ডাউন। সো দোস্তো, আপ লোগো নে জো আবি ইয়ে অ্যাঙ্করিং দেখা, ইয়ে হামারে মহাশয় ভিডিওগ্রাফার MS ফটোগ্রাফি কে জো অনার হ্যায় ছোটকা ভাইয়া কা হ্যায়। তো ম্যায় নাহি থা, নাহাটি মে দা লোহাঘাট পার্ক এসোসিয়েশন কে তরফ সে, টলিউড কা জো জি বাংলা কে তরফ সে, দিদি নম্বর ওয়ান কা জো শো হোতা হ্যায়, উস শো কা ফার্স্ট টাইম নাহাটি মে অডিশন থা। তো ম্যায় তো নাহি থা, তো ভাই ওহাঁ অ্যাঙ্করিং কন করেগা? তো ছোটকা ভাইয়া জি আপনে কদমো কো আগে বাড়াতে হুয়ে वो सोचे कि भाई मैं ही आज फर्स्ट टाइम एंकरिंग करूंगा। सो गाइज, आज का ये ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, फनीएस्ट ब्लॉग भी कह सकते हैं, क्योंकि छोटका भैया फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं। तो इनका एंकरिंग सुनकर आप लोगों को इतना मज़ा आने वाला है, इतना हंसी आने वाला है कि भाई मैं नहीं बता सकता। मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो को देखकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यहाँ के जो कमेटी के मेंबर है, जो सेक्रेटरी है, उनका इंटरव्यू महाशय छोटका भैया जी लिए हैं, ठीक है? तो उस इंटरव्यू का मजा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ का ऑडिशन कैसे हो रहा है और जो दीदी लोग हैं, जो माताएं लोग भी हिस्सा लिए हैं, वो लोग कितने दूर से आए हैं, लंबे लाइन में खड़े हैं, ऑडिशन का फॉर्म फिलअप कैसे कर रहे हैं, साथ में ऑडिशन कैसे दे रहे हैं, सारा ब्लॉग आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने मिलेगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बस वीडियो के अंत तक रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, आप लोगों के लिए इतना मेहनत बस आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए फुल मोटिवेशन है। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू दीदी नंबर वन ऑडिशन नैहाटी द लोहाघाट पार्क एसोसिएशन। তাহলে আমি আজকে দাদার এখানকার মেন সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি, দাদার নামটা আগে জেনে নি। আমার নাম বিজয় রায়, ক্লাবের সঙ্গে। অডিশন কট অবধি চলবে? তাহলে সকাল 11টা থেকে বিকেল 4টা অবধি চলবে, ফর্ম দেওয়া হবে, মানুষ যতক্ষণ থাকবে আমরা মানুষের দিতে থাকবো ফর্ম। রাত 2-2:30 থেকে লাইন দিয়েছে, এখনো পর্যন্ত লাইন অনেক দূর চলে গেছে, আমরা তাদের সুব্যবস্থা রেখেছি, ওনাদের সাথে যেতে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। দিদ নম্বর ওয়ানটা তাও মানে এটা কি প্রথম কি? হ্যাঁ, এটা এটা নৈহাটি টাউন অঞ্চলে প্রথম এটা দিল আকার প্রশাসন স্থানান্তরিত করেছে। আর ইউ রেডি গাইস ছোটকা ভাইয়া কা অ্যাঙ্করিং দেখনে কে লিয়ে? তো বাস চলতে হ্যায় ভিডিও কে আগে। আর আব ফাইনালি ছোটকা ভাইয়া ইন্টারভিউ লেনে ওয়ালে হ্যায়, রিভিউ লেনে ওয়ালে হ্যায় সারে दीदियों के पास जाकर, और बहुत सारे माताएं लोग भी हैं जो लोग हिस्सा लिए हैं इस दीदी नंबर वन शो में। तो मैं तो भाई फुल एक्साइटमेंट में हूँ इनका इंटरव्यू देखने के लिए, इसलिए थोड़ा सा फनीएस्ट मूड में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो चलिए इनका एंकरिंग देखते हैं और मजा लेते हैं। दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। ये गाना गाने का यहाँ पर मेन मतलब यानी कि मेन मकसद यही निकलता है कि आप लोग जो यहाँ पर लाइन में इतने सारे बहने, इतने सारे दीदी और इतने सारे माताएं के उम्र के जो लोग खड़े हैं, सो गाइस इसे देखकर यही समझ में आती है कि टैलेंट दिखाने का, कलाकारी दिखाने का कोई एज नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि जन्म लेने के बाद, जन्म के साथ ही मृत्यु तक आप लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो बस ठीक एक और प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम नैहाटी द लोहाघाट पार्क एसोसिएशन के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, टॉलीवुड का फेमस शो जी बांग्ला के तरफ से जो दीदी नंबर वन का शो कराया जाता है, ठीक उसी शो का 2022 में फर्स्ट टाइम नैहाटी में ऑडिशन हो रहा है। तो इस ऑडिशन राउंड में भाग लेने के लिए इतने सारे दीदी या फिर माताएं की उम्र के लोग यहां पर हिस्सा ले रहे हैं और आधी रात से यहां पर लाइन ला कर खड़े हैं, फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और इस ऑडिशन में हिस्सा ले रहे हैं। सो गाइस, बड़ा ही मजा आने वाला है इस ब्लॉग में, अंत तक बने रहिए और पूरा ब्लॉग को देखिए और शेयर करें ताकि हर एक लोगों के पास यह पहुंच सके और वो लोग भी देखकर मोटिवेट हो सके कि उम्र बड़े ही ढलता जा रहा है, लेकिन उम्र ढलते के साथ ही हम लोग बूढ़े नहीं होते हैं। तो बस ये देखिए, यहाँ पर लोग बड़े ही उल्लास के साथ फॉर्म को भरते हुए और एक्साइटमेंट के साथ कि हम लोग को हिस्सा लेना है, टैलेंट दिखाना है और यहाँ सिलेक्ट होना है।
तो गाइस सभी के लिए एक ग्रेट सैल्यूट है इनके कलाकारी को, इनके हौसले को, जो इस उम्र में ये लोग हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं, और इनको देखकर आने वाले जेनरेशन भी मोटिवेट होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुलिस ऑफिसर, ये लोग भी अपना टैलेंट दिखाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किए हैं। तो बस सभी को ग्रेट सैल्यूट है जो इतना अच्छा इस उम्र में कलाकारी दिखाने के लिए हिस्सा ले रहा है। तो सभी को ही इन लोगों से इंस्पायर जरूर होंगे और इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो का मजा लीजिए। तो आज हम लोग लोहाघाट दीदी नंबर वन के यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे रिव्यू भी ले लेंगे हम लोग, देखते हैं दीदी के पास कैसा रिव्यू मिलता है हम लोग का। दीदी अपना नाम था? हमार नाम छवि दे। ऑडिशन टा कैमन हुई? खूब भालो हुए चे, और हमार भीषण दीदी बांगला दीदी के देखते बेसि भालो लागे, एवं ओखान थेके खूब इन्सपायर हुई जे एखाने दीदी नामा जे जारा जाए তাদেরকে দেখে যে ইন্সপায়ার হওয়ার জন্যে আমিও সেটা এখানে এসেছি, যাতে আমিও আমারটা জীবনে দাঁড়িয়েছি যে এত কষ্টের মধ্যে দিয়ে নিজেকে দাঁড় করাচ্ছি, কীভাবে দাঁড় করাতো নিজেকে, এইটা প্রকাশ করার জন্য। আমাকে দেখে আরও কেউ যেন মানে অসময় ভেঙে না পড়ে। যেমন আমাদের এত বড় যে লকডাউন গেল, সেখানে কী করে ছোট্ট থেকে বড় হওয়া যায়। হ্যাঁ, যেমন রাস্তা বন্ধ হয়ে নতুন করে রাস্তা খুলে যায়, সেম দিদি নাম্বারে গিয়েও সকলে যেমন একটা নতুন দিশা খুঁজে পায় যে এখান থেকে আমি এখান থেকে কিছু করবো, এখান থেকে গেলে আমার যে নামটা হবে, এই যে ব্যাপারটা ওখান থেকে প্রচার হবে যে আমি কীভাবে কষ্ট করে দাঁড়িয়েছি, সেই জিনিসটাকে আমারও মধ্যে ওটা রয়েছে। যে জন্য আমিও আছি সেটা আমাকে দেখুন আমার পাঁচজন হোক। আমিও একটা ছোট্ট দোকান দিয়ে শুরু করেছি, সেই দোকানটা মোটামুটি বড় এখন দাঁড় করিয়েছি, যেখান থেকে আমার যে আর্থিক পরিস্থিতি একটু ভালো হয়েছে, যাতে আরও ভালো করতে পারি সেটাকে তুলে ধরার জন্য এসেছি। আর আমাকে দেখে যেন আরও কেউ ভেঙে না পড়ে, অসময়টাকে যেন কাজে লাগি, সেটা আরও দাঁড়াবার চেষ্টা করে, যেন একটু কিছু করতে পারে, ওই জন্য আমি এখানে এসেছি। দিদি নমস্কার। হ্যাঁ, वाह वाह माशा अल्लाह, क्या इंटरव्यू था, क्या एंकरिंग था। लाली मैं तो आपका फैन हो गया सच में। अब से मैं रिजाइन मारता हूँ अपने टॉक विथ ब्लॉगर यूट्यूब चैनल से, और अब से एंकरिंग वहाँ से छोटका भैया ही करेंगे। सल्यूट है भैया जी आपको, सल्यूट है। और यहीं पे यह रिव्यू, यहीं पे यह एंकरिंग खत्म नहीं होता है, अभी बहुत सारे दीदियों के पास महाशय जी जाएंगे और बड़े ही फनीस्ट तरीके से एंकरिंग करेंगे। तो चलिए आगे का जो एंकरिंग है और आगे का जो ब्लॉगिंग है वो मैं देखता हूँ और दिखाता हूँ, और मजे लेते हैं इस। अब अंदर में चलेंगे, अंदर में चल के देखेंगे कैसे क्या रिव्यू मिलता है, उसके बाद आप लोग दिखाते हैं। दीदी बोलिए, एक्साइटमेंट क्या होना चाहिए अपना? भीषण भावे भालो अभिज्ञता, কারণ রাত থেকেই লাইন পড়ে, তবুও খুব ঠান্ডা, তো সকালবেলা থেকেই চলে এসেছি। এর আগেও কি অডিশন দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, আমি অনেক জায়গায় অডিশন দিয়েছি, শ্রীরামপুরে দিয়েছি, বৈদ্যবাটি দিয়েছি, নৈহাটি। আর দিদি লাস্ট আপনার নামটা? সুপ্রিয়া দাস। আর কটা থেকে এসছেন আপনি? আমরা 11:30 থেকে এসেছি। হ্যাঁ, অঞ্জনা চৌধুরী। এর আগেও কি অডিশন দিয়েছিলেন? অনেকবার দিয়েছি কিন্তু হচ্ছে না, এবার লাস্ট চান্স দেখি হয় কিনা। হ্যাঁ অবশ্যই, হ্যাঁ দেখি এবার লাস্ট চান্স হয় কিনা। এক্সাইটমেন্ট কেমন আছে? খুব সুন্দর, কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি তো। কটার সময় এসেছেন? 11:00 সময় এসেছি। আপনি কটার সময়? 11:00 সময় এসেছি, ওনার একসাথেই পরপর দাঁড়িয়ে আছি, যাতে এবার হয় ওনার। সো দোস্ত, आज का दीदी नंबर वन ऑडिशन का, जो कि नहट्टी में कराया गया द लोहाघाट पार्क एसोसिएशन क्लब के तरफ से, वो संपन्न हो गया। और जो भी फुटेज था मैं आप लोगों को दिखाया, लेकिन ऑडिशन कैसे किस रूम में हो रहा था दिखाने के लिए हम लोगों के पास परमिशन नहीं था, क्योंकि वो ऑडिशन फर्स्ट टाइम जी बंगला जो चैनल है वो वहीं पर अपलोड होगा, अदर्स कोई लीक नहीं कर सकता इस वीडियो को, इसलिए उसका परमिशन नहीं मिला, आप लोगों को नहीं दिखा पाया। तो बस जाते जाते वीडियो के अंत में छोटका भैया MS फोटोग्राफी को ग्रेट सल्यूट है, उनका काम है वीडियो शूट करना, लेकिन गाइस फर्स्ट टाइम माइक पकड़कर एंकरिंग करना, वो भी पब्लिक क्राउड एरिया में, ये कोई मामूली बात नहीं है, सब में ये टैलेंट नहीं होता है। तो मैं नहीं था, तो मेरे नहीं रहने की वजह से उस मोमेंट को उन्होंने मिस नहीं होने दिया, वो सारा ब्लॉग को आप लोगों तक टाइम टू टाइम मैं पहुंचाया हूं। छोटका भैया के लिए एक ग्रेट सल्यूट गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, क्योंकि इतना अच्छा एंकरिंग और सही तरीके से इस ब्लॉग को कंप्लीट करना गाइस सबके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी तरह मजेदार ब्लॉग मेरे चैनल पे आते ही रहेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह मजेदार ब्लॉग देखने के लिए। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।